रहमान रहीम। आज ईद कुर्बान के मौके पर पूरी कौम को ईद मुबारक, बच्चों को, माओं को, मेरी बहनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमारा मुल्क एक सख्त सूरत हाल से गुजर रहा है, हमारे बॉर्डर्स पे एग्रेशंस हैं, इंटरनल पोलराइजेशन है, और मैं समझता हूँ कि जितनी यूनिटी की अब ज़रूरत है शायद पहले कभी ना हो। मैं कंडेम करता हूँ इज़राइल हसन साहब पे जो हमला हुआ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अभी क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ बाहर तो पता चला है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में कौम को बहुत बेहतर किस्म के अंदाज से आपने अपने दुश्मनों को निपटना होगा। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से हमें अमेरिका से धमकी आई वो भी आपके सामने है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पूरी कौम ने यक आवाज़ होकर एक ही बात कही कि नो टू थ्रेट्स। और मैं समझता हूँ कि अभी जो दो दिन पहले US एम्बेसडर ने कहा है कि नहीं हम सेक्रीफाइसेस मानते हैं पाकिस्तान की, मैं उनको इस पे अप्रिशिएट करता हूँ, और क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी काम किया है, और हम सिर्फ उन्हें पे वाजिया कर देना चाहते हैं, हम ना धमकियों में आएंगे ना आपके डॉलरों में आएंगे। हमारी कौम एक सेल्फ डिटर्मिनेशन पे और एक डिटर्मिनेशन पे, एक हिम्मत में, एक वलवले के साथ आगे आई है। हमने बहुत सी मुसीबतें जी लीं, लेकिन हम अपने मुल्क के वक़ार को किसी भी सूरत में कुर्बान नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर बच्चा एक ही आवाज़ लगाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ हर उठने वाली आँख मैली आँख जो है हम फोड़ के रख देंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं कराची में, आज भी देखिए ईद वाले दिन भी अटैक हुआ है, तो ये ऐसा किया है कि कितना टाइम मजीद लगेगा कराची? देखें, ये जब टेररिज्म शुरू होती है तो फिर उसको ख़त्म करना कितना आसान नहीं होता, ये शायद कोई और भी थोड़े अरसे के लिए जारी रहे। बहरहाल इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट्स को और अपनी अफवाज पाकिस्तान को, अपनी डिफेंस फोर्सेस को, पाकिस्तान पूरी कौम को उनको बैकअप सपोर्ट देनी चाहिए। आज भी अगर आप देखें तो आज जो हम इधर भी महफूज हैं और जिस अंदाज से वो सरहदों की हिफाजत करें वो भी की आपके सामने है। मेरा कोई दिन खाली नहीं जाता जो जब हमारे ऑफिसर और जवान जो हैं वो बॉर्डर पर शहीद नहीं हो रहे। आपको पता है कि मोदी ने एक जंग शुरू की है, जैसे आपने जो देखी कि चार्ली विल्सन की एक किताब थी, इस तरह मोदी ने भी एक फिक्शनल किताब लिख के और फिक्शनल स्टोरियां दे के अमेरिका को कन्विंस करके वो यहाँ लाना चाहता है, और अफगानिस्तान की जंग को फैलाकर पाकिस्तान और चाइना तक ले जाना चाहता है। तो मैंने यही अपने खतूत में भी, अपने लेटर्स में जो मुख्तलिफ जगहों पर मैंने लिखे और जिस फोरम पर बोलने का मौका मिला, मैंने यही कहा था कि अमेरिका को एक सबक सीखना चाहिए कि जैसे इराक में लोअरन होके उनको सज़ा हुई, उनको शिकस्त हुई, उनको जिस तरह सीरिया में शिकस्त हुई, वियतनाम में शिकस्त हुई, और इससे पहले जब सोवियत यूनियन का एक झगड़ा हुआ अफगानिस्तान में बैठ के, उसमें भी उनको शिकस्त हुई। तो अब ये उन्होंने देख लिया मोदी ने कि ये हम ल्योर इन कर सकते हैं, अब मोदी ये ख़ास टेक्निक के तहत उनको यहाँ पे अंदर लाने की कोशिश कर रहा है और इस इलाके को दूसरा इराक बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को भी समझना चाहिए, वेस्ट के दूसरे कंट्रीज़ को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान उनको इस वक्त बड़े वक्त पर फोरमान कर रहा है कि ये हरकत न करें, क्योंकि इससे सिर्फ अगर साउथ एशिया के अमन को नुकसान पहुँचता है तो अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी हीट अमेरिका तक जाएगी। यकीन यकजात हम उस वक्त भी थे, और रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा जब हमने हुकूमत हवाले की थी, जीरो टॉलरेंस थी, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, जो हालात हुए आपके सामने थे। जहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का तल्लक है, हमने कोशिश की कि हम ले, अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान के पास है और हम किसी भी चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। उस वक्त हमारे पास ये टेक्निकल हमारे पास सपोर्ट भी नहीं थी, और हमें टेक्निकल तौर पर हम उस वक्त कामयाब भी नहीं हुए थे। अमेरिका किसी से पूछ के ड्रोन पर हमले नहीं करता, ये भी आपको पता है, और इसलिए इस दफ़ा जो हमारा वाजिया मौक़िफ़ है, और आपने देखा ना आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें आपके डॉलर की ज़रूरत नहीं है, पूरी काम कहती है हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं है। और अगर जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त, देखें अगर आप मेरी सारी डिटेल पूछें, क्योंकि आपने सवाल कर लिया, हमने अपने हवाई जो एयरपोर्ट थे वो लीजन किए, हमने अपने जितने लॉजिस्टिक्स थे यानी कि रोड्स तक लीजन कर लिए और एयरपोर्ट्स किए, यहाँ तक कि एयर कॉरिडोर हमारे तीन थे वो भी हमने लीजन कर लिए। तो मैंने पूरा हिसाब किताब करके डोनाल्ड ट्रंप को थ्रू वाशिंगटन पोस्ट ये कहा कि
ट्रंप साहब आपने हमसे तो 47 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हो, आपने हमारा 350 बिलियन डॉलर देना है, क्योंकि जब किसी के यहाँ जाते हो, किसी की चीज़ किराए पे लेती हो तो उस पर किराया लगता है, पैसे लगते हैं, ऐसे ही जैसे आप जर्मनी के साथ उनकी हिफाजत करके पैसे लेते हो, जापान की हिफाजत करके पैसे लेते हो, तो इस तरह आपने एक जंग लड़ी जो हमारी नहीं थी, वो अफगानिस्तान में आपकी जंग थी, उसको लड़ने के लिए पाकिस्तान का साइल इस्तेमाल हुआ, उसको लीजन हुआ, और जो हमने एक लीज एक मुआहदे की थी उसके मुताबिक आज तक जो पैसे बनते हैं उसके मुताबिक अगर 47 बिलियन निकाल भी लें फिर भी 350 बिलियन डॉलर हमारे देने हैं। अगर किसी को शक है अमेरिकन को तो मेरे साथ आगे हिसाब कर ले, मैं उनको पूरा हिसाब दे दूंगा कि हम कैसे क्लेम कर रहे हैं। सबसे क्योंकि आज ईद का दिन था, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि आपने क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड कर लिया तो मैं जवाब जरूर दूंगा। देखें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा तो शहीद हुई, जो जजमेंट आई है उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान भी देख लिया। ये जो तीन टेररिस्ट कम अज़ कम हुसनैन गुल, रफाकत हसैन और तुराबी जो थे, इनको जब तालिबान की अपनी मीटिंग्स हुई मरी में और चाइना यानी बीजिंग में, तो इनका लिस्ट में नाम था जो तालिबान ने मांगा, ये अलकायदा के रजिस्टर्ड शुदा मेंबर हैं। और फिर जो चौधरी जुल्फकार को शहीद किया गया, उसको शहीद करने वाला वो लड़का खालिद, कर्नल खालिद के बेटे जो कि आर्मी से निकाले गए थे, अगर उनकी तफसील ले लें तो आपको पता चलेगा वो भी अलकायदा के मेंबर थे और खालिद शेख के वो उनके घर से मिले थे। और जो बंदा पकड़े गए थे और जिन्होंने पनाह दी थी खालिद शेख को, वो भी इसी घर में से हुई थी और वो ऑलमोस्ट नंबर टू था खालिद शेख। खालिद शेख वो है जो यूसुफ रमजी का सग्गा मामू था और इसका दूसरा भाई खालिदुल शेख था, क्योंकि मैंने पुरानी इन्वेस्टिगेशन की थी यूसुफ रमजी की, इसलिए मुझे वो पूरी तफसील का पता है। और जब अलकायदा के मेंबर वो साबित हो गए, उन्होंने कन्फेशनल कर दी। सितम जरीफी ये है कि उस डिले को जो कि 9 साल 8 महीने 3 दिन जो डिले हुई उसको किसी ने परवाह नहीं की, बल्कि उस मैं जो मेरा वकील कल मुझे ब्रीफ कर रहा था उसमें अगर जजमेंट में देखें तो ये प्ली ली गई है, क्योंकि ये केस डिले हो गया है और डिले की वजह से ये मामला ख़राब हुआ है। तो मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि वो मुलज़म जिन्होंने इकरार किया, और एक ये भी चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि अभी हमारे वकील इस पर एग्जामिन करेंगे, हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है नंबर वन, इसको पहले पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लीव द फेडरल गवर्नमेंट, और आधे से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, UNO की रिपोर्ट आई, 3 लोग उसमें और इंक्लूड हुए जिसमें साउद अजीज़ थे, खुरम थे और एक और अक्यूज़ था अपने जनरल मुशर्रफ थे। और उसमें अगर आप पूरी तफसील से देखें, ये वाक़या हुआ, धमाका भी हुआ, और उस रिपोर्ट में पढ़कर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि कहते हैं कि नामालूम दहशतगर्द, जबकि बिलाल शाह जो था वो प्रूवन एक दहशतगर्द था, सुसाइड बॉम्बर था, और उसको ले के आए थे रफाकत और हसनैन लारी अड्डे से यानी दायो के अड्डे से, और एक नुसरुल्ला नामी एक मौलवी साहब थे जिनको मार दिया गया, बाद में हमने बड़ी कोशिश की, या बैदुरमान जो नंबर वन था जो इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था, बैतुल मसूद के करीब था, और ये हमारी हुकूमत आने से पहले ये सारा कुछ रिकॉर्ड में था, हम तो उसको आगे ले कर चल के गए। और एक चीज़ मैं और अर्ज कर दूँ कि जो एक्यूज की प्ली होती है वो कुछ भी कह सकता है, अब बहुत से ऐसे रिमार्क्स आए जो नहीं आने चाहिए थे, और अगर एक्यूज़ और रिमार्क्स कोई भी दे सकता है, जैसे उन्होंने कहा जी कि एक्यूज़ की वकील की स्टेटमेंट है कि रहमान मलिक और इम्तियाज़ जो SSP था वो गाड़ी में मौजूद था, उन्होंने बीबी को बाहर निकलने से क्यों नहीं रोका। अरे भाई पहले रिकॉर्ड में तो देख लो कि मैं तो कभी भी मोहतरमा की गाड़ी नहीं था, अगर मैं मोहतरमा की गाड़ी में नहीं था तो मैं उनको मना कैसे कर सकता था, क्योंकि मैं उस गाड़ी में था बकौल उस वकील के, और मैंने मोहतरमा को मना नहीं किया, लिहाजा मेरी उसमें बेनिफिशियल था। भाई बात सुने कि हमने कोई जायदाद तो नहीं लेनी थी, हमारी तो लीडर शहीद हुई, और ऐसी को बात है जब भी पीपल्स पार्टी पे कोई ऐसे हमले होते हैं तो हमेशा विक्टिम को ही लाया जाता सामने, लेकिन जज की जो इस वक्त तक की हमारे पास तफसील जो हमने पढ़ी है, जनरल मुशर्रफ को PO डिक्लेयर किया
और ये भी कहा गया जी कोऑपरेट नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त की इसके साथ, बिल्कुल गलत। अगर हम कोऑपरेट ना करते तो ये चला नहीं जमाना होता। पांच हम विटनेसेस थे जो उस काली गाड़ी में थे, बैकअप कार कोई नहीं थी, फरतुल्ला बाबर साहब की गाड़ी थी जिसमें मैं भी उस गाड़ी में था, बाबर अवान साहब पे थे, जनरल तौकीर थे, फरतुल्ला बाबर सामने बैठे हुए थे, बल्कि मैंने अपनी गाड़ी में जाना था तो फरतुल्ला बाबर साहब कहने हमारे साथ आ जाए, उसमें पीछे सिर्फ दो सीटें हैं तो बेबी सीट नहीं होती जिसमें हैंड रेस्ट होता है, मैं उस पर बैठ के बैठ गया और जब वो धमाका हुआ। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जितनी मुँह उतनी बातें, जो एक्चुअल चीज़ थी वो सामने आ चुकी है और इसमें ये हकीकत है कि जो अलकायदा ने इस पे वार किया उसके प्रूफ्स बकायदा मौजूद हैं। अभी तक जो मैंने जजमेंट देखी, अभी हमारे वकील इसमें देखेंगे, उस जजमेंट में अगर गौर से देख लें तो एविडेंस उसमें कहीं भी डिस्कस नहीं हुई। टेक्निकल ग्राउंड पे 164 जो है वो ठीक नहीं था, लेट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये देखूं कि सारे के सारे अलकायदा के मेंबर जिन्होंने कन्फेस किया, बैतला मसूद ने खुद कहा कि हमने बीबी का इस्तकबाल करने के लिए लोग भेज दिए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जब मौजूद हैं तो हमें इंसाफ नहीं मिला। लिहाजा हमारे वकील जो है अपील में जाएंगे, हम भी अपील में जाएंगे। और एक बात, अगर जो चैनल्स बदनामी करने के लिए अगर अक्यूज़ की स्टेटमेंट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो हम पैमरा में भी जाएंगे और हम बड़े कोर्टों में भी जाएंगे, क्योंकि अगर किसी अक्यूज़ की स्टेटमेंट पे कोई स्टेटमेंट हमारे खिलाफ आती है तो वो स्टेटमेंट नहीं है, वो इल्ज़ाम है, वो कोर्ट की जजमेंट नहीं है। कोर्ट की जजमेंट में दो चीज़ें आई हैं, जन्म शरव को पीओ डिक्लेयर किया, दो लोगों को 17-17 साल सजा हुई और फाइन हुआ है, और हम जो पाँच लोग थे और बहुत सी और विटनेसेस के साथ हमारा नाम भी ड्रॉप किया कि जरूरत नहीं आई विटनेसेस की। लेकिन मैं अभी भी विटनेस उसमें, जब भी जनरल मुशर्रफ का केस खुलेगा मुझे बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने कन्फर्मेशन करनी है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की और जनरल परवेज मुशर्रफ की मीटिंग जो हुई थी उसका मैं एनी शाहिद हूँ, और इंशाल्लाह जब वो उनका केस खुलेगा मैं जाके अपने फ़राइज़ पूरे करूँगा और जो वहाँ पे बातें हुई या जो टाइमिंग थे उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे वो पूरी तरह आगाह किया जाएगा। लेकिन आज मैं पूछता हूँ कि उनको एग्जामिशन कैसे मिल गई जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाने की बात, जबकि एक मर्डर केस में थे और एक बहुत बड़े मर्डर केस में थे। मैं समझता हूँ कि जो सजा हुई उसके बाद अभी ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो सऊद अजीज़ को उन्होंने सजा दी वो दी कि सीन वॉश हुआ और उन्होंने किसी के कहने पे वहाँ से विड्रॉ भी की जो थी वाक से। बात यह है कि आखिर उनको किसने कहा, ये चीज़ भी सामने आनी चाहिए थी, कोर्ट बुला सकता था। तो मैं ये समझता बहुत से क्वेश्चन जो हैं जिनका जवाब नहीं मिला और हम चाहेंगे उसका जवाब, और 15 दिन इसमें अपील में है, हमारे वकील इसको एग्जामिन कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट में फ्री क्यों नहीं बनी? देखिए बात सुने आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस केस में FIR उसी वक्त 15-20 मिनट के अंदर दर्ज हो गई थी और PP क्या किसी भी सूरत में किसी मेंबर का नाम उन्होंने एज ए मदई नहीं डाला था उस वक्त, और ये FIR स्टेट की FIR है, और जब स्टेट की FIR है तो दूसरा कोई पार्टी नहीं मानता। फिर भी हमारी लीडरशिप ने फैसला किया कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं हमारी तरफ से जाएंगे, वो कोर्ट में जाते रहे और जब तक उनकी ज़रूरत हुई। लेकिन ये इल्ज़ाम करना कि पीपल्स पार्टी ने परसू नहीं किया, ये स्टेट का काम था, और स्टेट जब तक हम थे हम उसको परसू खुद ही करते रहे। जब स्टेट जो है वो नई गवर्नमेंट आ गई तो FIA किसी और के नीचे चला गया और प्रोसिक्यूशन ने अपने फ़राइज़ अंजाम देने थे, लिहाजा अगर कोई सवाल करेगा तो हम प्रूफ के साथ आ जाएंगे वो क्या है कि हमने कितना काम इस पे किया है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस की वो पहली GIT और हमारी GIT को मिला के अगर पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये अलकायदा के मेम्बर जिन्होंने कन्फेशन की, वॉलंटियर कन्फेशन थी, और देखें